अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल सब अच्छे ही होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पपाया के सीड्स, किस तरह से आप उगाएं। और देखिए, मैंने पहली वीडियो बनाई थी आपके लिए कि पपाया के सीड्स मैंने ऐसे ही लगा दिए थे, बिना ही राख में डाले हुए, किसी चीज़ में पहले मैंने ऐड नहीं किया था इनको। अब मैंने इनको राख में लगा दिया है। और इससे पहले आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और आप, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 2-3 दिन पहले राख में ऐड किए थे और अब मैंने ये राख से निकाली है। अब देखिए, इन पे राख में डूबे हुए, इनके ऊपर सारे में राख लगी हुई है, किसी किसी के ऊपर तोड़ी है, लेकिन कोई कोई बिल्कुल छिपे हुए हैं। अब नज़र पता भी नहीं चल रहा कि ये पपाए के सीड्स हैं। और ये ही बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा जिसे फल देंगे। और आप देख सकते हैं, देखिए मैं ऐसे ही अपनी छत पे किसी भी पॉट में लगा देती हूँ। और आप देखिए, मैं इसको लगाऊंगी और मैं इसे ऐसे पॉट में लगाऊंगी जिसमें मैं सीड्स ग्रो करती हूँ, उसी पॉट में इनको मैं ग्रो कर लूँगी। देखिए, मैंने और भी सीड्स ग्रो किए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने ये क्या कहते हैं इसको, मटर के सीड्स भी इसमें में लगाए थे। और ये कलंचोई के हर कुछ में इसी में लगा देती हूँ और फिर इसमें से दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और अब भी इस तरह से लगाइए। एक पॉट मैंने ऐसा ही कर रखा है कि मैं इसी में सब कुछ ऐड करूँ और फिर जब बड़े होने पर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ। आप देख सकते हैं, मैं इसमें ये हटा देती हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा होल बनाऊँ, बहुत छोटा छोटा होल बनाना है आपको, ज़्यादा बड़ा होल नहीं बनाना है ताकि आपकी जो सीड्स हैं ज़्यादा अंदर हो जाएंगे उन्हें। अब देखिए, मैंने एक होल में एक सीड डालना है। देखिए, मैंने इसको भी लगा दिया और एक यहाँ पे लगा देती हूँ, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ और एक मैं इन दोनों के बीच में लगा देती हूँ। प्रेस कर देना थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं करना है। और अब देखिए, मैं आप एक यहाँ पे लगा देती हूँ, सारे सीड्स इसी तरह से जगह जगह पे लगा दूँगी, फिर ये थोड़ा बड़ा होने पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ट्रांसफ़र करते वक्त मैं फिर आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी ताकि आप भी देख सकें कि ट्रांसफ़र किस तरह से करें और कितने बड़े पॉट में आप ये लगाएं बड़ा होने पर। देखिए, और आप भी इस तरह से पपाया के सीड्स उगाएं। और मेरी पिछली वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई थी वो मैंने ऐसे ही लगा दी थी, बिना ही राख में लगाए हुए, और आपको इसके फल एकदम खाने को मिलेंगे, लेकिन वो इतना जल्द नहीं आते जितना कि ये जल्दी में आ जाते हैं। और ये एकदम छोटे छोटे से प्लांट में ही, ये छोटे प्लांट में ही फल लगना शुरू कर देते हैं। और इसके जो सीड्स होते हैं बहुत ही, ये पपाया भी मैंने ऐसे लिया था जो खाने में भी एकदम स्वीट था, बहुत ही अच्छा था और बड़ा भी था पपाया। और आप भी इस तरह से देखें, जो आपको पपाया खाने में अच्छा लगता हो उस पपाया के ही सीड्स आप लगाना है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा टेस्टी लग रहा था जब मैंने ये, और बड़ा, बहुत ही बड़ा था ये, बहुत अच्छा हेल्दी भी था, इसलिए मैंने इसके सीड्स इसलिए लगाए ताकि ये भी अच्छा है और मैं, मेरे प्लांट भी अच्छे ही फल आए इसीलिए। और आप भी ऐसा ही करें कि आप जब कभी पपाया के सीड्स उगाएं तो पहले उस पपाया को खा कर देखें कैसा पपाया लग रहा है। अच्छा हो तो आप उसके सीड्स लगाना है, और अगर खाने में अच्छा नहीं लगता तो आप उसके सीड्स नहीं लगाना है, दूसरे पपाया के सीड्स लगा लेना है। और कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए, मैंने सब के सीड्स लगाए हुए और इसी में मैंने ऐड कर रखे हैं। अभी थोड़ा सा बड़ा होने पर मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही ताकि, क्योंकि ये अभी छोटे छोटे हैं। अब देखिए, ये सदाबहार का प्लांट भी आ चुका है और ये देखिए थोड़ा सूख चुका है। देखिए, ये सब कुछ मैंने ऐसे ही लगा लिया है। और फिर मैंने अगली वीडियो में
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।